नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी एट की। उसमें दोस्तों जॉब से संबंधित कोई भी अपडेट होती है तुरंत आप तक पहुंचाता हूं। तो ऐसे ही एक अपडेट निकल के आया आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी के बारे में, तो वो अपडेट आपके साथ लेकर मैं जुड़ गया हूं। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल नहीं भूलें। साथ ही टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों तरह की तैयारी के लिए आप हमारे चैनल को विजिट कर सकते हैं। तो अपडेट यह है, कभी 2-3 महीने पहले का अपडेट आई थी आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी को लेकर। उसके संबंध में आपको वीडियो बनाकर मैंने भी सूचित किया था, वो सबको पता था कि 15 दिसंबर से जो है एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे। जो बोर्ड ने डेट डिसाइड की थी 15 दिसंबर से डिसाइड की थी कि 15 दिसंबर से जो है आपके एग्जाम शुरू करा दिए जाएंगे, जो कि काफ़ी 2 साल हो गए इसको वैकेंसी को लटके लटके, तो काफ़ी अभ्यर्थी परेशान थे। तो इस संबंध में जो खबर निकल के आई थी कि 15 दिसंबर से एग्जाम शुरू कराएंगे, तो उसी संबंध में एक और बड़ी खबर निकल के आई है कि 15 दिसंबर से एग्जाम शुरू तो हो रहे हैं लेकिन किस किस कैटेगरी में एग्जाम शुरू हो रहा है ये जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो जो आरआरबी एनटीपीसी है, ग्रुप डी है, या इसमें और भी कैटेगरी हैं रेलवे की, किस कैटेगरी के एग्जाम कब हो रहे हैं इस संबंध में एक खबर निकल के आई है। तो इससे आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि एनटीपीसी जो है उसके एग्जाम कब है या ग्रुप डी जो है उसके एग्जाम कब है। तो चलिए वो न्यूज आपको मैं दिखाता हूँ। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ विनोद कुमार यादव ने मंगलवार को बताया कि नॉन टेक्निकल पॉपुलर एनटीपीसी के 35,208 पदों के लिए 28 दिसंबर से परीक्षाएं शुरू होंगी। तो जो आरआरबी एनटीपीसी उसकी परीक्षा कब से शुरू हो रही है, 28 दिसंबर से शुरू हो रही है। पहले जो डेट थी वो 15 दिसंबर से, ऐसा नहीं है वो फेक थी, डेट अब भी वही है 15 दिसंबर वाली, लेकिन उसमें अलग अलग कैटेगरी के एग्जाम है। तो 15 दिसंबर से किस कैटेगरी के शुरू होंगे, तो बात करें हम आरआरबी एनटीपीसी की, तो आरआरबी एनटीपीसी शुरू होगा आपका 15 दिसंबर से। कब से? 15 दिसंबर से, और मार्च के अंत तक संपन्न होंगी। यह एग्जाम कोविड-19 की वजह से जो है स्लोली एग्जाम करवाया जाएगा। जितनी किसी एग्जाम सेंटर की कैपेसिटी है उसकी आधी कैपेसिटी के साथ ही एग्जाम करवाया जाएगा। तो ये एग्जाम बहुत लंबा चलेगा क्योंकि इसमें आवेदन बहुत ज़्यादा, तकरीबन 2,44,00,000 आवेदन हैं, तो इसलिए आवेदन बहुत ज़्यादा है, अभ्यर्थी बहुत ज़्यादा है, तो इसमें धीमे धीमे जो है एग्जाम कराया जाएगा। तो 28 दिसंबर से आपका एग्जाम शुरू होगा और धीमे धीमे मार्च के अंत तक जाकर वो संपन्न होगा। तो बिल्कुल आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम आपके 28 दिसंबर से शुरू हो जाएंगे। ठीक है, संरक्षा श्रेणी में ट्रैक मैनेजर अन्य तकनीकी पदों के 1,03,769 पदों पर भर्ती के लिए 15 अप्रैल से जून 2021 के बीच परीक्षा करी जाएंगी। ठीक है, जिन स्टूडेंट्स ने ट्रैक मेंटर एवं अन्य तकनीकी पदों के लिए जो भर्तियां डाली हैं उसके लिए 15 अप्रैल से जून 2021 के बीच परीक्षा कराई जाएंगी। ठीक है, ठीक है, और साथ ही एनटीपीसी की 28 दिसंबर से शुरू होंगी। ठीक है, तो इसमें आवेदन बहुत ज़्यादा है इसलिए इसको अलग अलग जो है डिवाइड करके इनको जो है एग्ज़ाम कराया जा रहा है। अब हम 15 दिसंबर की बात करें तो 15 दिसंबर से जो एग्ज़ाम हो रहा है वो स्टेनो एवं अध्यापकों के 1663 पद थे उसमें जो है 15 से 18 दिसंबर के बीच सीवीटी का एग्ज़ाम आयोजित कराया जाएगा। ठीक है, तो जिन्होंने स्टेनो एवं अध्यापकों को 1663 पदों में आवेदन किया था उनकी परीक्षा 15 से 18 के लिए होगी, वो तैयार रहें। साथ ही आरआरबी एनटीपीसी की हम बात करें तो 28 दिसंबर से परीक्षाएं शुरू होंगी, आरआरबी एनटीपीसी वाले इस डेट से तैयार रहें। और साथ ही जो अलग पद हैं, ट्रैक मेंटर है और जो अन्य तकनीकी पद हैं उनके लिए जिन्होंने डाला है वो 15 अप्रैल से जून 2021 के बीच कराई जाएगी। तो ये एक बड़ी अपडेट थी जो आपके सामने निकल के आई थी। तो आई थिंक अब आपको क्लियर होगा कि आरआरबी एनटीपीसी या ग्रुप डी के एग्जाम अब कब से होने वाले हैं। ठीक है, तो ये बड़ी अपडेट थी, मैंने आपको प्रोवाइड कर दी। ऐसी कोई भी अपडेट आएगी और कोई इससे संबंधित अपडेट आती है मैं तुरंत आप तक पहुंचाऊंगा। साथ ही आरआरबी एनटीपीसी और लेखपाल के मॉक टेस्ट के लिए आप जो हमारे चैनल को विजिट करें। ठीक है, और कोई भी अपडेट आती है आप तक तुरंत पहुंचा जाएगी। मिलता हूँ अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए।